के हो गया। चाची खड़े पैसे मांगेंगे। अरे बकवाद मत करे, चल मैं देखूं आप पैसे मांग रहे हैं। इनका पता ना चलता। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या बात है, कैसे परेशान से हो? हमने दिन में शिवानी की ठीक सुनी थी, हम बाहर भी निकल के आए, तब तक चार पांच आदमी उसे उठा कर ले गए और गाड़ी में बैठ के चले गए। मैं पीछे भी गया लेकिन तब तक वो निकल गए थे। ऐसे कैसे ले गए, कौन थे वे लोग? मुझे लगे उसके वो घर वाले थे, वो बार बार चिल्ला रही थी, पापा मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। वो अपने घर से भाग के आई थी, इसलिए हमने पुलिस में भी शिकायत नहीं की। एक दिन उसने मेरे फोन पे अपनी माँ से बात करी थी, उसी का एड्रेस मिला होगा उन्हें। मुझे तो कुछ समझ में आना रहा। अगर वो जाना नहीं चाह रही थी तो मैं उसे जरूर लेके आऊंगा। कह के रहा तू, लेके आवेगा? हाँ। तुझे घर का पता है उसका? हाँ देख। अच्छा भाई, पता तो लिख गई, पर जरूरी है हम उसे लेने जावे और आजा गैल। अगर उसे नहीं आना होता तो वह यहाँ पता नहीं लिखती। यू बात तो है भाई। हैं? यू बात तो है। हाँ तो अब मैं उसे लेने जाऊँ। ठीक है भाई, तू जावे तो हम भी गैल चलेंगे। अरे तू रहन दे, वहाँ पता नहीं कैसी जगह है, कितना खतरा है। अरे के कह रहा यार तू, भला सीता माता को लेने राम जावे और हनुमान ना जावे गैल? तू कैसी बात कर रहा है यार, दोनों चलेंगे। दोनों चलेंगे। लो जी भाई साहब, ये रही चौधरी साहब की हवेली। अच्छा। मैं इससे आगे नहीं जा सकता, इन लोगों से पूरा गांव डरता है। और मैं तुम्हें एक सलाह दूं, तुम भी उल्टे पैर वापस लौट जाओ, क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? भैया हम तो आगे अब जाना ही है, तेरा धन्यवाद, तने यहाँ छोड़ दिए, चल भाई। अच्छा भाई। अच्छा भैया, यही है सामी। सुन, तू सलाह सही दे रहा था, अभी तो बेटी बाप कही है, कदी उई हमें उल्टा लटकावे। अब तो जो होगा देखी जाओगी, तू चल यार। चल चल तो रहे हैं बस।